आगे आगे नेक्स्ट वैक्सीन चलिए आगे चलिए आगे जाओ। हेलो अस्सलामु अलैकुम। आज हज कमेटी में बहुत से हज हजरात आए हैं क्योंकि आज से वैक्सीनेशन शुरू किया गया है। यहाँ हैदराबाद के लोगों को यहाँ वैक्सीनेशन दिया जा रहा है। डिस्ट्रिक्टों में भी इसका एहतमाम किया गया है। जहाँ पर भी डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर ऑफिस हो या सहूलत जहाँ पर भी हो वहाँ पर वैक्सीन दिया जा रहा है। इससे वैक्सीन देने से हजियों को मतलब आगे के किस्म की सेहत का मसला पैदा ना हो इसके लिए फ्री वैक्सीन दिया जाता है। और हजियाँ हमारे पास इंशाल्लाह 20 तारीख से जा रहे हैं। 20 तारीख के दिन और एक रात में फ़्लाइट है और एक सुबह फ़्लाइट है। उसके बाद से रोज़ाना एक फ़्लाइट है। तकरीबन 10 फ़्लाइट जो है 20 तारीख से 30 तारीख के दरमियान जा रहे हैं। और इंशाल्लाह इस मरतबा GMR वालों से बात की गई क्योंकि हमेशा हज टर्मिनल अलग हुआ करता था। अब के इंटरनेशनल टर्मिनल से भिजाया जा रहा है मगर उनके लिए अलग स्पेस रखा गया। उसके लिए आज के इंतजाम के लिए और ख़ासतौर से वैक्सीनेशन के लिए हमारे चेयरमैन साहब सलीम साहब, हमारे MLA साहब, मुकामी MLA जाफर हुसैन साहब, हमारे MLC फारूक साहब और तमाम हज कमेटी मेंबर्स और शफीउल्लाह साहब जो हमारे सेक्रेटरी है और दूसरे लोग भी यहाँ पर मौजूद है। और हमारा यही हुकूमत का मकसद है कि हाजियों को अच्छे से अच्छे इंतजाम किया जाए। हमेशा यही CM साहब भी कहते हैं। और तेलंगाना बनने के बाद कई हमारे डेलीगेशन आते हैं दिल्ली से तो हमेशा ये बात की तारीफ़ की है कि सारे हिंदुस्तान में सबसे अच्छे इंतजाम होते हैं तो तेलंगाना स्टेट में होते हैं। हमारे स्टेट के अलावा इस मरतबा आंध्रा के भी लोग यहाँ से जाते हैं। पहले भी लास्ट ईयर भी गए थे। इम्बारकेशन पॉइंट हमारे पास यहीं है, एयरपोर्ट है हमारा शमशाबाद एयरपोर्ट, तो उनके लिए भी यहाँ से सर्विस प्रोवाइड किया जाता है। और हम यही चाहते हैं कि अच्छे से अच्छे इंतजाम हो और हाजियों को किसी किस्म की तकलीफ ना हो। इसके लिए हुकूमत हमेशा CM साहब जिस शर्त से तेलंगाना अलहदा हुआ है ये बात कहते हैं कि हाजी खुदा के मेहमान होते हैं, अल्लाह ताला के मेहमान होते हैं। उनके लिए जो भी इंतजाम हो तो हमारे मेम्बरान भी इस मरतबा हज कमेटी के वो भी बाज़ाबता जब जब फ्लाइट जाएंगे या उससे पहले वॉलंटियर्स भी रहते हैं अच्छे से हाजियों की तकलीफ़ जो भी कुछ हो जो तरीके से ख़ास तौर से कल जो अभी शफीउल्लाह साहब ने कहा कि ऑनलाइन वीज़ा ई पास है ई वीज़ा तो ऑनलाइन वीज़ा मिलता है वो आप अपने अपने फ़ोन पर भी ले सकते हैं। अगर किसी को दुश्वारी हो तो हज कमेटी आ सकते हैं, वो आकर अपना जो है वीज़ा यहाँ से उन लोगों फ़ोन के ज़रिए उनका वीज़ा लगवा कर भिजा सकते हैं, फ़ोन पे लगा सकते हैं। तो इसलिए मैं तमाम हज कमेटी के मेम्बरान का और जो हाजी हजरात के ख़ासतौर से आए हैं वैक्सीन लेने के लिए उनको यही कहता हूँ कि अल्लाह ताला हमको एक मौका दिया है खिदमत करने का। उन हाजियों की जो लोग आते हैं हमारे पास तो बहुत लोगों को आर्जू होती है कि हाजी हजरात की खिदमत करें। अल्लाह ताला ने कमेटी अभी बनी है, सलीम साहब चेयरमैन साहब उनके मेम्बरान हैं, इंशाल्लाह अच्छे से अच्छे इंतजाम करेंगे यही कहते हैं। थैंक यू। मीडिया आज वैक्सीनेशन कैंप लगाए हैं हज हाउस में गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की तरफ से और हाजियों की फ़्लाइट भी जो है 20 तारीख से जा रही है। 17 या 18 तारीख से हाजियां भी जो डिस्ट्रिक्टों के आएंगे यहां पर 3600 हाजी कुछ जा रहे हैं यहां के 1820 और आंध्रा के 900 चिल्लर हाजी और थोड़े तमिलनाडु के थोड़े महाराष्ट्र के ऐसा करके तकरीबन 3600 हाजी तक हमारे तेलंगाना हैदराबाद से जाएंगे। और ये पूरा इंतज़ाम KCR साहब की गवर्नमेंट में हो रहा और गवर्नमेंट के तरफ से पूरे फैसिलिटीज़ जो जो दे सकते हैं हम लोग और हमारे महमूद भाई हम लोग हमारे मेंबर्स और फारूक भाई हमारे मेराज भाई ये सब लोग मिलके हम लोग हमारे शफीउल्लाह साहब और हमारे मेंबर्स सब मिलके एक टीम वर्क करके हाजियों की खिदमत में जो है सब लोग टाइम देंगे, सब लोग मिलके अच्छा जो है हाजियों को हैप्पी करके यहाँ से भिजाएंगे इंशाल्लाह ताला। और गवर्नमेंट भी कोई कसर बाकी नहीं रखेंगी कि कोई चीज़ की कोताही नहीं होंगी इंशाल्लाह ताला। और वीज़ा भी जो है ऑनलाइन लेना बोल के कल ही मेल आया है यहाँ पर, वीज़ा भी जो है कोई भी हज कमेटी की तरफ से गए तो ऑनलाइन में जो है ना वीज़ा निकाल ले सकते हैं।
तो इंशाल्लाह ताला वो शफीउल्लाह भी थोड़ी बताएंगे आपको डिटेल। और दूसरी बात यह है कि आज हमारे पास जो है 8 तारीख को भी पूरे आल डिपार्टमेंट की मीटिंग रखे हैं, इंशाल्लाह ताला उसमें भी पूरे डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शन देंगे हमारे होम मिनिस्टर साहब, हमारे फारूक भाई, हम लोग सब MLA साहब सब हम मिल के इंशाल्लाह ताला। और कोई चीज़ गवर्नमेंट से जो है ना कोताही नहीं है, गवर्नमेंट पूरी तरीके से पूरी मिशनरी गवर्नमेंट की, पुलिस डिपार्टमेंट और एयरपोर्ट GMR CSF पूरे आल डिपार्टमेंट GHMC और वाटर वर्क्स पूरा गवर्नमेंट से जो जो होना है ये फ्री सर्विस हाजियों के लिए, हज कमेटी के लिए ये गवर्नमेंट से हुआ है। ये इंशाल्लाह ताला 8 तारीख के दिन पूरा जिसका जो काम है वो काम अंजाम देंगे। और अभी हज का कैंप का भी तैयारियां चालू हो गए, ट्रेनिंग कैंप अभी चल रहे थे इंशाल्लाह ताला। अभी और 15 तारीख के दिन एक बड़ा ट्रेनिंग कैंप है रेड रोज में इंशाल्लाह ताला, वो हज चेयरमैन की तरफ से है इंशाल्लाह ताला। पूरे हाजी लोग भी आएंगे, बड़े उलमा जहाद उलमा आएंगे, वो लोग भी मुखातिब करेंगे इंशाल्लाह ताला। अभी आपको डिटेल में जो है हमारे शफीउल्लाह साहब बताएंगे, एक दो मिनट आप